महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुआख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म, और यही संघ गुणों को धारण करते हुए सद्धर्म में लाभान्वित होने वाला, अपने भीतर की अविद्या दूर करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए विद्या प्राप्त करने वाला भगवान का वह आर्य श्रावक संघ प्रथमतः इन तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक की जो संगायन, जो चांटिंग हो रही है, सभी अंतर्राष्ट्रीय पूजनीय धम्म मंच पर विराजमान भिक्षु संघ और इस बुद्ध भूमि दुर्लभ बुद्धो उत्पादो इमस्मिन लोके, अनेकों अनेकों चक्र वाले, लाखों लाखों आकाश गंगाएं हैं, करोड़ों करोड़ों ऐसे सूर्यमाला है, एक एक चक्रवाल में जो 10,000 चक्रवाल ऐसे हैं, सौर मंडल ऐसे हैं जिनमें 31-31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी हुआ करते, मनुष्य या मनुष्यतर, कोई दृश्य होते कोई अदृश्य होते। तो यह भगवान की डॉक्ट्रिन है, अनेकों प्लैनेट्स हैं, अनेकों चक्रवाल है, लेकिन 10,000 चक्रवाल ऐसे होते हैं जहां पर मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी 31 प्रकार की काया धारण करने वाले हुआ करते हैं। जहां जहां बुद्ध होने का कहीं नहीं होते, बुद्ध तो यही स्थल है, भूत वर्तमान और भविष्य काल के सभी काल के बुद्ध तो यहीं पर उत्पन्न होते हैं, और सभी बुद्धों अपनी भाषा, अपनी बात, अपनी धम्म देशना पाली में ही कथित करते हैं। जब भी कहीं बुद्ध उत्पन्न हुआ करते हैं तो बुद्धों की भाषा पाली ही होती है, इसलिए
पाली ही बुद्ध, पाली को ही बुद्ध वाणी कही जाती है। सभी भाषाओं की जननी यही भाषा है। जब कई बुद्ध उत्पन्न हुआ करते हैं तो सारी दुनिया का अंधकार दूर करने के लिए होते हैं। बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। इस धम्म मंच पर विराजमान पूजनीय भिक्खु संघ और जम्बुद्वीप में जैसे छठा संगायन हुआ म्यांमार में, और छठे संगायन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बोधिसत्व जहां वे छठे संगायन में थे, और संगायन जो 2500 भिक्षु इकट्ठा आकर के जब जब भी भगवान की मूलवाणी पर कोई संदेह उत्पन्न होता है, विचिकित्सा उत्पन्न होती है, तो भगवान का पूजनीय भिक्खु संघ बार बार जैसे कोई संदेह हुआ, विचिकित्सा शुरू हुई भगवान की मूलवाणी पर, तो बार बार इकट्ठा होकर के भगवान की मूलवाणी का संगायन और भगवान की इस मूलवाणी की शुद्धता बरकरार रखा करते हैं। भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद अलग अलग संगायन हुए। जब जब कोई भगवान की मूलवाणी पर कोई संदेह हुआ हो, विचिकित्सा हुई हो, तो भगवान की मूलवाणी की सुरक्षा करने के लिए पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा बार बार संगायन की। छठे संगायन में डॉक्टर बाबा साहब हाजिर थे। 1954 से लेकर 56 तक, 2 साल तक 2500 भिक्षुओं ने इकट्ठा आकर के जो संगायन किया, उसमें भगवान की जो मुख से 82,000 धम्म स्कंद प्रकट हुए, और बाकी जो अरहत भिक्षु तपे हुए तापस भिक्षुओं के द्वारा जो 2000 धम्म स्कंद, कुल मिलकर के भगवान के 84,000 धम्म स्कंद का संगायन किया गया, जो कुल सुत्त पिटक में 21,000 धम्म स्कंद हुआ करते। सुत्त पिटक में 21,000 धम्म स्कंद, विनय पिटक में 21,000 धम्म स्कंद, और अभिधम्म पिटक में 42,000 धम्म स्कंद का संगायन किया हुआ। भगवान की मूल वाणी की सुरक्षा की है। बड़ा अच्छा हुआ, ताकि यही बुद्ध शासन की सदर के आधार पर सुरक्षा कैसे हो, तो बुद्ध की मूल वाणी ही भूल जाते हैं, कोई संदेह उत्पन्न होता है, जब जब भी कैसे होता है। मूल तो यही है कि भगवान ने जो भी अनुसंधान किया हुआ है, वेदना पच्चैया तन्हा, वेदना पच्चैया पन्या, जहां जहां पर भी भगवान जाया करते थे, वहां यो धम्मं जानाति सो पटिच्च समुप्पादं जानाति, यो पटिच्च समुत्पादं जानाति सो धम्मं जानाति। अरे पटिच्च समुत्पाद, यही तो सद्धर्म है। जिसने पटिच्च समुत्पाद समझ लिया तो सद्धर्म को समझ लिए। अच्छा हुआ, देवो वस्तु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च फीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको, रोजाना कहते वंदना। अरे समय पर बारिश होवे, अच्छा खासा फसल होवे, लोग सुखी हो, और राजा धार्मिक हो, कैसे बनेगा। दानं दत्वा शीलं समादित्वा उपोसत कम्मं कत्वा तं अस्सादिति अभिनन्दन्ति, रागो उपज्जति दोषो उपज्जति मोहो उपज्जति माना उपज्जति दिट्ठि उपज्जति विचिकित्सा उपज्जति दोमनसंग उपज्जति। भगवान का सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष इसी बोधि वृक्ष के नीचे, यही वह बोधि वृक्ष है जब बुद्धत्व प्राप्त किया, भगवान द्वारा जो भी अनुसंधान हुआ, 37 बोधि पक्षीय धम्म करके भगवान के सद्धर्म को जाना जाता है। 37 अंगों जो अपने आप में, जो बोधि के अंग है स्वयं में अपने आप में इतने परिपूर्ण और परिशुद्ध है। सद्धर्म की परिशुद्धता और परिपूर्णता सद्धर्म का सौंदर्य है, सुंदरता है। भगवान ने 4 सतिपट्ठान, 4 इद्धिपान, 4 सम्मापधान, 5 बल, 5 इंद्रिया, 7 भोजंग, और 8 मग्गो, 37 अंगों वाला यह पक्ष, इसलिए भगवान के सैद्धांतिक पक्ष को 37 बोधि पक्षीय धम्म कहा जाता है। अरे जो व्यावहारिक पक्ष जो होते हैं, अनापान एवं अन्य जो शमत भावना के कम्बट्ठान, जो सद्धर्म को धारण करने की प्रक्रिया से गुजरते हो, और विपश्यना कम्बट्ठान, यह कम्बट्ठान प्रैक्टिकल स्तर पर जो अपने बड़ा शील समाधि प्रज्ञा की तो बातें जोरों शोरों से की जाती है, बड़ी ऊपरी ऊपरी लेवर स्तर के अपने ऊपरी ऊपरी मानस के द्वारा
बस केवल सुधारने का काम किया करते हैं। ध्यान करना ही शमद भावनाओं के कम्मठ ठानों का योग्य अभ्यास करना नहीं आया, विपश्यना कम्मठ ठान का योग्य अभ्यास करना नहीं आया तो भूल भुलैया ही भूल भुलैया। म्यांमार बाबा साहब की म्यांमार पर बहुत तारीफ किया करते थे, क्योंकि म्यांमार इस देश में जैसे तीसरे संगायन के बाद देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा सोवण और उत्तर ऐसे परिपक्व भिक्षुओं को वहां पर भेजे थे, जहां अभिधर्म जो सद्धर्म धारण करते हुए व्यक्ति सद्धर्म में लाभान्वित होता है, अपनी भीतर की सारी अविद्याओं को दूर करते हुए विद्या प्राप्त करता है। अगर यह कम्मठ ठानों का उचित रूप से अभ्यास ही नहीं करना आया, शमत भावनाओं की विपश्यना, तो मार्ग फल कैसे प्राप्त करेंगे? जब भी कोई व्यक्ति हो, गृही हो या गृहत्यागी हो, दानं दत्वा शीलं समादित्वा उपोषदकं मंगत्वा तं आसादीति अभिनन्दन्ति, जानं उपादेति विपस्सनं उपादेति मग्नं उपादेति फलं उपादेति समापत्तिं उपादेति अभिनन्दं उपादेति, यह सारी चीजों की परिपूर्ति तब होती जब कोई व्यक्ति शमत भावनाओं के और विपश्यना भावना योग्य रूप से करना है। हम जैसे जैसे बुद्ध कोच की अभी विशुद्ध मग पर विश्वास रखते हैं, भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद महायान, हीनयान, तंत्रयान, मंत्रयान इत्यादि 18 प्रकार के संप्रदाय, इतनी सारी दीवारें जिनके हाथ में जो पड़ा वो कथन करते आए, क्या करें, बड़े मिथ्या दृष्टि में जी रहे हैं। बुद्ध घोष की किताब विशुद्ध मार्ग पढ़ते हुए लोग तो यही कहते हैं, अनापान का अभ्यास करते समय सांस भीतर आ रहा है, भीतर से बाहर जा रहा है, 1, 2, 3, 10 तक गिनती करते हैं तो शब्द प्रदान होता है, सांस तो गौन हुआ ना। भले इसलिए इस आनापान की भावना करने में भाई गड़बड़िया होती है। बहुत सारे संप्रदाय के जो स्वयं को भगवान बुद्ध के जो महायान, हीनयान, तंत्रयान, मंत्रयान, अलग अलग जो स्वयं की भगवान बुद्ध की रक्षा करने वाले थेरावादी कहने वाले लोग, ये भी आनापान का अभ्यास करने में कितनी सारी गड़बड़िया है, आज भी कितनी सारी गड़बड़िया। सो भगवान ने बार बार कहा, सो भगवान ने कहा, अरण्यगत हुआ, रुख मुलगत हुआ, शून्यागारगत हुआ, पल्लक्कम उजुंकाय, अपनी काया को सीधी करते हुए जब बैठता है कोई, क्या करता है, भमकार भमकार अंते वासीवा, जैसे बड़ाई है ना लकड़ी का, जो कोई काटने वाला हिस्सा होता है वहीं पर ध्यान केंद्रित करता है। ये तो सांस तो अपने आप ही, तो जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास में तो हुआ ही करता है, होता ही है, लेकिन आनापान का अभ्यास करने के समय कोई लंबा सांस लेवे और पेट ऐसे बाहर लेकर के आए, लंबा सांस छोड़े पेट भीतर लेके जाए, तो ये सारी भिन्नता कैसे, सो सतो अस्य सति सतो अपस्य सति, भूलबाल गए। अरे आनापान के अभ्यास करने की प्रक्रिया में भूलबाल गए तो लोग कैसे अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया से गुजरेंगे, शमत भावना का ठीक से अभ्यास ही नहीं करना आया तो क्षणिक समाधि से लेकर उपचार समाधि और उपचार समाधि से लेकर अर्पणा समाधि बस कैसे पहुंच पाएंगे भला, बिल्कुल नामुमकिन बात है, कठिन बात है। बहुत सारी इतनी स्वयं थेरावादी संप्रदाय के लोग कितने विभिन्न प्रकार से ध्यान करते हैं, मिथ्या धारणाएं रखी हुई है, तो भला अपने आप अपने स्वभाव से जो भीतर आ रहा हो भीतर से बाहर जा रहा हो, परिमुखं सतिंग भट्ट, कोई कोई कहते हैं परिमुख मुख की सारी परिधि देखी, नहीं भाई परिमुखं ये सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, अपने मन को इसी स्थान पर टिकाए रखे। जैसे जैसे ध्यान सूक्ष्म होता है, स्थान सूक्ष्म होता है, तो चित्त क्षण जो चित्त का क्षण होता है, वेदनाओं की उत्पत्ति का क्षण, वेदनाओं की स्थिति का, जहां तक कि वे वेदना रहती है स्थिति का क्षण और भंगत्व का क्षण, इसको एक वेदना, वेदना चाहे सुखा हो दुखा हो अदुखा असुखा हो, सौ मनुष्य हो या दौर मनुष्य हो, किसी प्रकार की वेदना हो, वेदनाओं की उत्पत्ति का क्षण, स्थिति का क्षण और भंगत्व का क्षण अगर यथाभूत जानना ही नहीं आए तो क्या चित्त क्षण को कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए विपश्यना साधना का योग्य रूप से अभ्यास करें, सम्मर्शन ज्ञान, उदय वे ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, अधीनव ज्ञान, निपीता ज्ञान, मुंचित काम्यता, पटिशंका ज्ञान, संकारोपेक्षा ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, ये दसों ज्ञान की प्रक्रिया से योग्य रूप से अभ्यास ही नहीं गुजरे ही नहीं, योग्य रूप से अभ्यास ही नहीं करना आया तो भला कैसे पहुंच पाएंगे अपने उद्देश्य पत्रिका पर, नहीं पहुंच पाएंगे। कितनी सारी विभिन्नता है अभ्यास करने में। बाबा साहब ने
इसलिए म्यांमार पर बहुत, क्योंकि सद्धर्म म्यांमार पर बहुत, अभी धर्म की जो बात है वो म्यांमार में चलती है। जो सद्धर्म को धारण करते हुए बोधि ज्ञान को धारण कैसे करे, समद भावनाओं की और विपश्यना भावना का योग्य रूप से अभ्यास करना ही नहीं है तो कैसे पहुंच पाएंगे। इसीलिए बार बार बड़ी भिन्नता आ जाती है। कितनी भिन्नता, लोग तो यूं ही कहते हैं देवता है, मनुष्य है, देवता है या नहीं है, कितनी भी भिन्नता है, समझ कितनी भिन्नता है। इसीलिए अभी ये बार बार सुत्त पिटक हो, विनय पिटक हो, अभिधम्म पिटक हो, जो संगायन चल रहा है भगवान की मूल वाणी, फिर भी इतना संदेह उत्पन्न हुआ। विभिन्न प्रकार के मत वाले लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के शमत भावनाओं के कम्मठाओं का अभ्यास हो या विपश्यना भावना का अभ्यास, कितनी विभिन्नता है। तो भले इसको जड़ से जो भगवान की वाणी का फिर से संगायन करने का ये जो प्रवाह है ना, जो बीज बोया जा रहा है इस चैंटिंग के रूप में, सातवें संगायन की तैयारी शुरू हो रही है ऐसे मुझे महसूस हो रहा है। सातवें संगायन की तैयारी, क्योंकि कितनी सारी विभिन्नता है, कितने सारे संप्रदायों में लोग बटे हुए और अलग अलग रूप से अलग अलग अभ्यास करने लगे। कम्मठानों का विशेष रूप से अभ्यास करना ही भूल भाल गए, तो जो लाभान्वित होना है वो लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। बाबा साहब ने, अच्छा हुआ कि जो बुद्धिस्ट पारंपरिक देश है उनके देश के घटना का, देवो वस्तु काले न सस्य संपत्ति हेतु च फीतो भवतु लोकों च राजा भवतु धम्मिको, राजा अगर धार्मिक हो तो लोगों का कल्याण होगा। अब भला अच्छा हुआ कि इस देश के जो संविधान निर्माता, जिन्होंने इस तिरंगे झंडे पर यह 24 आरो वाला चक्र, यह धम्म चक्र, हेतु बच्चे आरंभण बच्चे, भगवान ने अपने सद्धर्म को 2400 कारणों द्वारा, पठान की 2400 कड़ियां, 2400 कड़ियां द्वारा पटिच्च समुत्पात को समझाया। दुख दुख समुदय दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी पटिबद्धा ज्ञान की बात कही, पटिसंहिता ज्ञान की बात ही, सब अनावरण ज्ञान, 14 प्रकार से भगवान ने सद्धर्म को सुव्याख्यात किया, सुस्पष्ट किया है। तो भला हम वो जान नहीं पाएंगे, ठीक ढंग से अभ्यास नहीं कर पाएंगे, तो भला एक संघ की, मेरे महापरिनिब्बाण के बाद धर्म और विनय यही तो उत्तराधिकारी है, धर्म और विनय। सद्धर्म का ठीक से अभ्यास नहीं करना आया तो भला विनय के आधार पर केवल कोई व्यक्ति चिंतन मनन ज्ञान के आधार पर, कोई श्रुतमय ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो पाता। भावे तब्बंति में भी कभी भावित प्रज्ञा, जो भावित प्रज्ञा जो अनुभूति पर उतरती है, वो अगर प्रज्ञा ही वह सद्धर्म को धारण करने की प्रक्रिया ही को भूल गए तो विनय तो भूल भाल जाएंगे, कितना लंगड़ा होगा। इसीलिए भगवान के 84,000, ये सद्धर्म के 84,000 धम्म स्कंद, देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध शासन की सद्धर्म के आधार पर सुरक्षा हो, इसीलिए जो संगायन करने के बाद में 84,000 महास्तूपों का निर्माण किया था, वहां जो भगवान की धातु होती है, जो अलग अलग अरहत भिक्षुओं की धातु होती है, वो तो बुद्ध का रूप माना जाता है। बार बार रोज चैत्य वंदना करते हैं कि बुद्ध का रूप है, बुद्ध की ऊर्जा जो अनित्य, वो सभ्य संखारा अनिच्छाती, सभ्य संखारा दुखाती, सभ्य धम्म अनत्ताती यदा पय्याय पश्यति, जो अनित्य का बोध, दुख का बोध, अनत्त का बोध करने में बड़ी सहायभूत होती है ये तरंगे, भगवान की तरंगे। इसलिए बोध गया में कितने लोग, कितना पवित्र स्थल है जहां बुद्ध का उत्पत्ति का यह स्थल है। इस पवित्र स्थल में कितने लोग बड़ी श्रद्धा से आ जाते, लेकिन ये श्रद्धा अगर लंगड़ी रही, आंधी रही, इमाय धम्मानुधम्म पटिपतिया बुद्धं पूजेमि धम्मं पूजेमि संगं पूजेमि, तो सही पूजा तो यही होती है कि सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष ठीक ढंग से आत्मसात करें, ठीक ढंग से धारण करना, धारिति इति धम्मा, धारण करने से ही लाभ होगा ना, कैसे लाभ होगा। तो यह बात भूलभाल हो जाने से इतनी सारी मतभिन्नता, इतना सारा संदेह और विचिकित्सा उत्पन्न होने लगी। भगवान के हम रोजाना बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना करते हैं, बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति करते हैं, बुद्ध के 11 गुण, सद्धर्म के 6 गुण और संघ के 9 गुण, 2400 गुण है, गुणों का रोज पाठन करते, लेकिन उस पर श्रद्धा नहीं है, बड़ी लंगड़ी श्रद्धा है, अंधी है, मिथ्या है, सम्यक श्रद्धा ही नहीं है, दुर्लभो श्रद्धा संपत्ति। तो अभी धर्म में एक एक भगवान के सद्धर्म के
भगवान के जो 9 भी गुण होते हैं उसमें धर्म ही समाये हुआ है, धर्म के 6 गुण उसमें सद्धर्म ही समाये हुआ है, संघ के 9 गुण उसमें सद्धर्म ही समझाया गया है। तो 2400 सद्धर्म के गुणों का व्यक्तिकरण ही तो सम्यक बुद्धि इति बुद्धो, जो भूत वर्तमान और भविष्य काल की तीनों कार्य की परिपूर्ण जानकारी जिनको है, सब सर्वत्र जाने वाले हैं, ऐसा एक भी विषय नहीं बचा रहा जिसकी जानकारी भगवान को नहीं है, सम्यक संबुद्ध को नहीं है, परिपूर्णं परिशुद्धं। तो भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा हो लेकिन श्रद्धा ही नहीं है, सद्धर्म के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, संघ के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, बुद्ध धम्म संघ के गुणों के प्रति श्रद्धा नहीं है। भगवान के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष को धारण करने की भी कितनी व्यावहारिकता, कितना फर्क है। तो इसीलिए ये जो अलग अलग सूत्र विनय और अभिधान पीटक का जो संगायन हो रहा है, ये तो पूर्व पीठी का लग रहे कि 7वें संगायन की तैयारी करनी पड़ेगी। विभिन्न जो भगवान की मूलवाणी की रक्षा करने वाले 84,000 सम्मत स्कंद का बार बार यह पठन करते करते संगायन का यह बीज बोने की तैयारियां हो रही, ऐसे महसूस कर रहे हैं। बड़ा अच्छा काम है, ताकि बुद्ध शासन सद्धर्म के मूल बुद्ध वाणी के आधार पर ही सुरक्षित होता है, उनकी व्यावहारिक और सैद्धांतिक पक्ष का ही धारण करना ही भूल भाल गए तो बड़े चढ़ाव उतार आएंगे। ऐसे हुआ जहां देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक के परपोता दसो ये मौर्य राजा, धार्मिक राजा, चढ़ाव उतार आते रहे, या इस जम्बूद्वीप में इतना फला फूला देश, लेकिन यहां पर जाति व्यवस्था कैसे सर उठाए, कितने उतार आ गए, और यहां तक जो वर्ण व्यवस्था जो उध्वस्त हुई थी देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक के परपोता सम्राट बृहद्रथ की जैसी हत्या हुई, उसके बाद जितनी पड़झड़ हुई, भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ, 84,000 महास्तूप मंदिरों में कई तुकार, कई विश्व के और अलग अलग जो ज्ञानी लोग आए उनके, और यहाँ के जो ब्राह्मीणवादी जो लोग हैं पनप गए, ब्राह्मीणवाद यह काउंटर रिवोल्यूशन प्रतिक्रांति है, और भगवान बुद्ध का सद्धर्म यह क्रांति है। इस शब्द का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रयोग किया, इस तिरंगे झंडे पर यह 24 आरो वाले पठान की कड़िया, राष्ट्रपति के निवास पर धम्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा, राष्ट्रपति के निवास स्थान में भगवान बुद्ध की खड़ी मूर्ति रखी, इवन लोकसभा के सभापति के आसन के पीछे में धम्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा, राज्यसभा के सभापति के आसन के पीछे धम्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा, 4 सिंहों की राजमुद्रा इस देश की राजमुद्रा रखी, क्यों रखी आखिर। ऐसे धार्मिक राजा हो जो उपोषित करने वाला, ऐसे दान देने वाला, उपोषित करने वाला, शील का पालन करने वाला, तो ही यह शमत भावनाओं के कम्मठान का कोई अभ्यास करता है, ये शरीर पर ये राग, ये संवेदनाओं के आधार पर राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न है, मान, ये सारी जितनी सारी विकृतियां हैं मन के भीतर की, वो उभर करके आती है जो शमत भावना के कम्मठानों का ठीक ढंग से अभ्यास किया तो, और विपश्यना कम्मठान भावना का जो अभ्यास करते हैं तो बार बार यह प्रज्ञा जगती है, सब संकारानि अनित्य का बोध, दुख का बोध, अनात्म का बोध, अनित्य ज्ञान के आधार पर अनित्य का बोध करते हुए बोधि ज्ञान को धारण करने की प्रक्रिया से जब गुजरते हो, पटिसंका ज्ञान कहलाता है, दुख ज्ञान के आधार पर दुख का बोध करने की प्रक्रिया से जो बोधि ज्ञान धारण करने की प्रक्रिया से गुजरते हो तो पटिसंका ज्ञान कहलाता है, अनंत ज्ञान के आधार पर जो बोधि ज्ञान को धारण करने की प्रक्रिया से गुजरते हो तो पटिसंका ज्ञान कहलाता है। न जाने यही कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ तो किस प्राणियों की उत्पत्ति होती है, किस प्राणियों की उत्पत्ति हो, यह शरीर और यह मन, यह स्थूल शरीर स्थूल मन, इसके टुकड़े टुकड़े करने की देखने की सारी प्रक्रिया समर्चन ज्ञान का लेता है, प्रत्यक्ष वेदनाओं की, चाहे वेदना किसी प्रकार की, उदय, उदय से लेकर व्यय होने तक का प्रपंच जान लिया, उदय वे ज्ञान कहला है। विपश्यना कम्मठान का ठीक से अभ्यास करते करते जब यह भंग का ज्ञान, सारी शरीर के भीतर की सारी दुखद वेदनाओं का प्रपंच खत्म होगा, सारे सुखद वेदनाओं का प्रपंच चलेगा सारे शरीर पिंड में, एक बार सिर पर मन अगर रखे तो एक ही क्षण में जैसे उतर जाता है नीचे, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, भंग कहलाया गया। जब कई व्यक्ति भंग ज्ञान का अनुभव करता हो तो धीरे धीरे हृदय वत्तु पर ध्यान करने के लिए कोई
आचार्य कहेगा नहीं तो भला जब हृदय वत्थु पर ध्यान करने की प्रक्रिया से जब गुजरता है तो बड़ी अति सूक्ष्म संवेदनाओं का अनुभव करने लगता है, अनुभवन करने लगता है, केवल कल्पना नहीं करता। तो जैसे ये तो आदि न हो, कितनी सारी अति सूक्ष्म संवेदनाओं से सारा शरीर पिंड सारा चित्त लगता है शुरू शुरू में कि वितर्क विचार सहित प्रीति सुख एकाग्रता है लगता है, लेकिन भोक्ता भाव में हमें पता नहीं होता मन इतना कितना चपल होता है, कितना चंचल होता है। कोई नशा पता करने वाला व्यक्ति कोई नशा पता चढ़ गई तो कितनी बेहोशी में रहता है। इसी प्रकार ध्यान करने वाला कोई भिक्षु हो, भिक्षुणी हो, उपासक उपासिका हो, ध्यान करते समय अरे बड़ा रसास्वादन करता है। तो रसास्वादन ये भोक्ता भाव है, समता भाव नहीं है। तो अनित्य बोध की प्रक्रिया, दुख बोध की प्रक्रिया, अनंत बोध की प्रक्रिया, यथाभूत देखने ही नहीं आया, यथाभूत ज्ञान दर्शन शुरू से लेकर अंत तक देखने की प्रक्रिया से गुजरे ही नहीं तो भला कैसे समझ पाएंगे, सद्धर्म की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। इसीलिए यह चैंटिंग अच्छे हो, पुण्यवाणी लोग है जो दीक्षित, पुण्यवाणी लोग है जो भगवान की मूल वाणी की जो सुत्तबद्ध शुरू जो संगायन की शुरू की है, ये आने वाले दिनों में आने वाले वर्षों में जो 17वां जो संगायन जो चल रहा है, पीठिका जो चल रही है, देश विदेश के भिक्षु खंड यहाँ इकट्ठा बोधगया में इकट्ठा होकर के जब संगायन करता है तो भगवान की मूल वाणी का स्पर्श होता है। तो जिसे भगवान के धर्म और नियामकता का धर्म और विनय की जो बात यहाँ सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष का योग्य रूप से अमल जैसे होने लगा तो भगवान के ये सद्धर्म की सुरक्षा सद्धर्म के आधार पर धम्म विनय के आधार पर हो सकती है। इसलिए जो जो परिपक्व विश्व के सारे संघ के बार बार संघ का इकट्ठा होना और भगवान की मूल वाणी की सुरक्षा करने की यह जो प्रक्रिया है सातवें संगायन की तैयारी बड़े धूमधाम से हो, ताकि और अनन्य जो अलग अलग जो म्यूजियम में भगवान की धातु रखी गई है, जो लोग ऐसे जूते चप्पल पहन करके जाया करते, पता नहीं होता कि पाप होता है कि पुण्य होता है, लोग नहीं जानते, लेकिन भगवान की धातु ये महास्तूपों में, अरहंतों की धातु स्तूपों में वहां प्रतिष्ठापित करने के लिए होती है, जो भगवान के ही रूप कहलाए जाते। भगवान के इस बुद्ध शासन का जब समापन होगा, अलग अलग जितने सारे महास्तूप होंगे जहां पर भी भगवान की धातु होगी, अरहंतों के स्तूप होंगे, तोड़ ताड़ करके भगवान की और अरहंतों के सारे धातु रैलिक्स यही इसी बोधि ट्री में आएंगे। इसी जब समापन होगा बुद्ध शासन का, सारे धातु इकट्ठा होंगे और बुद्ध का रूप प्रकट होगा। उन दिनों समापन के समय लोग बड़े स्थूल चित्त वाले रोग रहेंगे, लोग स्थूल, उनको यह विपश्यना का कम्मठान का अभ्यास करना बहुत भूलभाल गए लोग। तो भगवान यही चार आर्य सत्यों का उपदेश करेंगे ऊपरी ऊपरी स्तर से, दानशील कथा, केवल दानादि कर्म करे, शील का पालन करे, बस यही बोलेंगे आने वाले आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध के। इसी महाभद्र कल्प में जो 5 सम्यक संबुद्ध हो, जहां इसी देश की सरकार ने उस सैंधव संस्कृति का नाम बदल कर की सरस्वती दिया है, कितनी घृणास्पद बात है, कितनी मिथ्या धारणा है। जहां सैंधव संस्कृति में कोनागमन हो, ककुसंद हो, जहां काश्यप हो, वहां 7x12 की कुटिया मिली, भिक्षुओं की कुटिया मिली, वहां भगवान की स्तूप मिले, वह सद्धर्म की संस्कृति का आविष्कार है। अब लोग बड़े पिछड़े हुए जान नहीं पाते हैं लोग, इसलिए इतिहास है जो भूल भाल जाता है तो इतिहास को क्या निर्माण कर पाएगा। इतिहास को निर्माण करने की प्रक्रिया भिक्षु संघ, अगर वो परिपूर्णं परिशुद्धं, भगवान की वाणी जो परिपूर्ण और परिपूर्ण है, परिशुद्ध है, इसकी सुरक्षा करने की यह तैयारियां बड़े मेहनत करेगा, श्रम करेगा, तो बुद्ध शासन की आधारशिला मजबूत होगी, बलवत्तर होगी और भगवान के जीते जी 24 असंख्य 80,000 लोग देवता और मनुष्य जो लाभान्वित हुए, बाकी बचे हुए लोग अलग अलग सम्यक संबुद्ध के काल में 34 असंख्य 80,000 देवता और मनुष्य को लाभान्वित होता है, बाकी जो बचे खुचे पता नहीं, लेकिन जिनका नंबर है, जिनके 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति हुई हो, आप लोग कंजूसी ना करें। जो उपासक उपासिकाएं
जो अपने भिक्षुओं के, श्रमणों के, चारों निश्रियों की परिपूर्ति करने वाले उपासक उपासिकाओं को दायक दायिका कहते हैं। भगवान जहाँ पर गृहियों के यहाँ पर जाया करते थे, धम्म दायात बनो, धम्म के दायिका बनो। कैसे बन पाएंगे? ये बाह्य पहचान है अपने पुत्रों पुत्रियों को, जब तक के संग में दान नहीं करेंगे, अपने दसों पारमिताओं के घड़ों की प्रभुति परिपूर्ति नहीं करनी आई। तो इसलिए जब ऐसे दानादि कर्म करे तो ही यह लाभ होगा। और ये उच्चतम स्तर पर पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा जो जो विश्व के सारे भिक्षु संघ द्वारा जो मतलब होता है, सारा भिक्षु संघ संघ कहा जाता है, लेकिन अलग अलग जो पढ़े लिखे लोग ना, चौथा संगायन जो लेह में हुआ था तो बड़े विकृतिकरण आ गया, और न जाने भगवान की मूल वाणी में इतनी सारी जोड़ तोड़ हुई चौथे संगायन को लेह को, लोग तो यूं ही कहने लगते हैं कि ये तो त्रिपिटक की बात है, भूलभाल गए, क्या करे। इसलिए बड़े शुद्ध रूप से त्रिपिटक का संगायन हो, मूल वाणी की सुरक्षा हो, भावी इस काल में पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा यह कदम उठाने की कोशिश करेंगे। और सातवें संगायन की यह पूर्व पीठिका, यह आधारशिला बलवत्तर करेंगे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। दिवच ब्रह्मणो यम ही कथं सब संपत्ति साधुकं सब अनुमोदित्वा समगासनेरता प्रमाद रहिता हुन्तु हर खासु विशेषतु पुण्य भाग मिदं चयं समं ददाम कारितं अनुमोदन्तु तं सबे मेदिनी तद सखी के मेदिनी तद सखी के मेदिनी तद नथि मे शरण्यं बुद्ध मे शरण वरं धम्म मे शरण वरं संघ मे शरण वरं इति न सच्व जीन दुदे जय मंगल भवे तु सवे मंगलं भवे तु सवे मंगलं भवतु शुभमंगलं। सुखी हुंतु, सुखी निदुखा निरोगा निब्बान पच्चे हुंतु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्ति मुक्ति हो, स्वस्ति मुक्ति हो, भला हो, बी हैप्पी। वंदामि भंते जी, एज आवर वेनरेबल भंते जी ज्ञान ज्योति हैज मेंशन दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिस बुद्धास रिलिक्स विल कम टुगेदर एंड इट विल गेट वैनिश। सो सिंस देयर आर मेनी कंट्रीज आर वर्किंग ऑन द रिलीजन ऑन दिस लाइक चैंटिंग एंड टू लाइक restore our religion, this religion and the Buddha's teaching. So
So isn't it possible to keep it longer? Isn't it any like ways or any like methods or any like possibilities so that the religion will or the Buddha's teaching will get longer life instead of getting vanished? Bhante mentioned about the relics, right? He should answer. Okay, let him answer this question. Can you question in Hindi? Because he will answer you. जी भंते जी ने ज्ञान ज्योति भंते जी ने बताया है कि relics फिर से recollect होंगी जमा होंगी after a longer time और बुद्धा वर्ल्ड विल गेट वैनिश बुद्धा का शासन बंद हो जाएगा तो वहाँ पे कोई ऐसा पर्याय या कोई रास्ता या कोई हम कुछ नहीं कर सकते सारे देश मिलके कि ताकि वो वक्त ना आए कि वो वैनिश हो जाए वो बहुत टाइम तक चलता रहे वो इंस्टेड ऑफ ये 11 देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाए इजंट इट ये पॉसिबल नहीं है क्या उसके लिए क्या करना चाहिए बुद्ध शासन की जो आयु है तो 5000 साल की आयु है जिसमें 2500 साल गुजर गए और अभी 66 साल उनमें भी गुजर रहे माइनस हो गए जो 400 मतलब जो बाकी जो बचे कुछ दिन है तो इतने ही दिन तक 5000 तक ही यह बुद्ध शासन जीवित रहेगा उसके बाद नहीं जब बुद्ध शासन का समापन होने के समय में जितने सारे पगोड़े महास्तूप स्तूप है वहां तोड़ ताड़ करके आकाश मार्ग से यह सारी धातु रेलिक्स भगवान की और अरहंतों की चली जाएगी और मूर्त जय भगवान का रूप प्रकट होगा वह शील और दान शील की कथाएं सुनाएंगे लोग लाभान्वित तो नहीं लेकिन भगवान जब ऐसे ऊपर उठेंगे इस बोधि वृक्ष पे मंड पे ऐसे ऊपर उठेंगे और भला नहीं वो जो इद्धिपात का जो है ना इद्धि प्रतिहार्य तो उसमें अग्नि और जल सारे शरीर के उसमें नुकसान नहीं होगा कंपित तो होगी भूमि लेकिन उसमें अलग अलग बुद्ध के जीवन काल में जो अलग अलग घटनाएं होती है तो भूमि कंपित होती है यहाँ इसी भूमि पर जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो मार आया देवपुत्र मार आया कहने लगा हे महाशमन गौतम चल उठ तेरा आसन नहीं है ये मेरा आसन है अरे मैंने तो जान लिया तू तो मार है ना कितनी सारी लड़ाई हुई मार के खिलाफ की लड़ाई है ना तो भला ये चाहे वो देवपुत्र मारो खंड मारो किलेश मारो अभिसंकारा मारो या मच्छु मारो इतने सारे पंच मारे पराजितवा पत्तो संबोधिंग उत्तमंग ये जो पांचों मारो को पराजित करते हुए अब ये मार के खिलाफ की लड़ाई तो लड़ेंगे लेकिन बुद्ध का शासन है उसमें सीमा है वो तो बुद्ध का फिर बाद में ये दानशील कथा जो अगले आने वाले इसी महाभद्र कल्प में जो आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध होंगे जो मनुष्य लोग अन्य देवता लोग है वो तो साधुकार वो ब्रह्म लोग भी और अनन्य देवता लोग भी मंदार पुष्पों की वर्षा करेंगे एक तरफ पानी और एक तरफ अग्नि लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होगा और इसी तरह बुद्ध शासन का जो इसे धातु परिनिब्बाण की प्रक्रिया कही जाती है जिसमें बुद्ध शासन का समापन होगा उसके बाद में धीरे धीरे और मनुष्य की इतनी आयु कम होगी तो एकदम 10 साल तक रहेगी और धीरे धीरे यह बढ़ पाएगी 1,00,000 वर्ष तक मनुष्य की जब आयु बढ़ेगी तब कई आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध आएंगे और इसी बोधि वृक्ष में इसी वह बोधि वृक्ष वह नागा बोधि वृक्ष होगा पीपल का वृक्ष नहीं होगा यह बोधि वृक्ष नहीं होगा वह नागा बोधि वृक्ष होगा और उस बोधि वृक्ष में वे आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करेंगे आप रहेंगे या नहीं रहेंगे हमें नहीं पता हम नहीं जान पाएंगे हमारा टावर उतना नहीं है तो यह बुद्ध शासन के हर बुद्ध शासन का जो कार्यकाल होता है अभी यह जो सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध हुए 5000 वर्ष का यह कार्यकाल जब होगा और उसके बाद में समापन होगा वह सब तिथर बिथर जाएंगे और ये खंड रहेंगे अगले आने वाले आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध होंगे जब कहीं कहीं ऐसे अपने भिक्षुओं को भिक्षु संघ को ये सिद्धार्थ गौतम जो हुए ना उनके सूप यहाँ पर बनाए वो खंडर है वो पहचान करके तो इसी तरह ये हाल होंगे तो अब ये सारे कितने भी उन दिनों बहुत स्थूल चित्त रहेगा मनुष्यों का भी हो
या भिक्षु, अब तो ये तो भिक्षु देखने के लिए मिलेंगे उन दिनों, वो चिंदी बांध करके मैं भी भिक्षु ऐसे कहेंगे लोग, तो इस तरीके के हाल बेहाल के बेहाल होने वाले। वो भगवान ने ही यही सारी बात कही हुई है महाकाश्यप को। महाकाश्यप बनते अभी तो देखते देखते आप एक कोई उपदेश करते हो तो बहुत सारे जल्दी लाभान्वित होते हैं, और इतना सारा लंबा चौड़ा उपदेश करते हो लाभान्वित नहीं होते, तो यही कारण होता है। तो उन दिनों बहुत स्थूल चित्त के लोग रहेंगे, जब समापन का समय आएगा भिक्षु संघ भी दिखने को नहीं मिलेगा, अपने अंगूठे को ऐसे ऐसे चिवर का कपड़ा बांध देंगे मैं भी भिक्षु ऐसे कहने वाले लोग भी रहेंगे, तो इतना पतन होगा। देव चढ़ाव उतार आते रहते, इन चढ़ाव उतारों को समझेंगे, अब बुद्ध वाणी पढ़ेंगे तब इन सारी बातों को समझ में आएगी। सुखी हो मंगल। Perhaps if we could have a very brief translation, just very brief, and then we have to wind up. You have a mic? Actually, the question asked from the girl was, is it possible to extend the Buddha's asana period, which is of 5,000 years? So she was asking if all the Buddhist countries try to work on that, so why is it not possible? So the Bhante Gyan Jyoti gives that answer, that the Buddha time is, this Gautama, the Buddha time is 5,000 years, and it is not possible to extend that time period, because in this world system, there is also Mara. Mara, which is, it's like the supernatural power, which is against of Dhamma, which is, create hindrances to spread the Dhamma, right? So, in the that sense, when the time will come to end, the conditioning at that time, the humans at that time will not be able to understand the Dhamma, and the condition will be very bad. So that's the end of that Buddha Sasana, right? Thank you so much. So I'd like to end tonight, request my colleague Nelson to make offerings to our two Bhante speakers, which he will do now, and then we'll conclude our session with a brief dedication. And now, Nelson offer Thaya Dhamma to Venerable Gana Jyoti first. Sathu, 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 yom sathu dang dang. Sathu, 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 anumodhami. Nelson offer to Most Venerable Pravichayaratnapon, Dr. Thanat Atachari. Sathu. Sathu anumodhami. Now we finish. Pay respect to Buddha Dhamma Sangha. Please, a blessing in anumodana. Chakun Pravithi Ratanapon, please. Om Vinasatumante Pavadvandarayo Sukhitikayoko Hava Abhivandhanase Lesane Changhuta Vajayino Chantaro Thamma Vantantea You want no one to come. Bye, Pat. Let's go, Pat.